अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरल्ड बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीजे और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज। उन न्यूज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और जो है नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का बिना कोई टाइम जाया किए हुए। आज का मेरा टॉपिक है, जैसे कि मैंने एक छोटे छोटे से पॉइंट्स पे वीडियोस बनानी शुरू की हैं, दुबई में बहुत सारे जो फैमिली पर्सन आते हैं या सिंगल बैचलर्स लोग आते हैं, उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन जमा नहीं होती और इन पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स को इग्नोर करके इनके ऊपर बात की भी नहीं जाती, कि ऑलरेडी लोग ऐसी चीजें तलाश कर रहे होते हैं बट उनको यूट्यूब पर नहीं मिल रही होती या वो ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं। तो उन्होंने जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी दुबई के बारे में और हर वो छोटे से छोटा पॉइंट जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, मैं अपने वीडियो के अंदर बात करूंगी। और रिक्वेस्ट है कि आप, क्योंकि अभी तक जॉब्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कहीं से, क्योंकि मैं भी आपके लिए जो जॉब लेके आती हूँ वो रियल होती हैं, ठीक है, अभी नहीं आ रही हैं, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बना रही हूँ। इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है और यकीन जाने कि ट्रैवलिंग और वीजा जॉब से रेलिवेंट जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उससे ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स इस चीज़ में मिलता, तो इट्स मीन कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो चीज़ जो कहीं आपको नहीं मिल रही वो आपको मेरे चैनल पर मिल रही है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आकर बता सकते हैं कि मैं किस कंटेंट के बारे में वीडियोस बनाऊं। ठीक है, अगर आप दुबई के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में आपको छोटे से छोटे पॉइंट जो कि हो सकता है मैं मिस कर रही हूँ, मेरे माइंड में नहीं आ रहा हो, वो पॉइंट जो आप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस आप हो, आप जो देखना चाहोगे, आप जो सुनना चाहोगे, मैं वही बनाऊंगी। ठीक है, ताकि मेरे इतना टाइम जाया करने का कोई फायदा मेरी ऑडियंस को हो, ठीक है, उन वो कुल कुछ गेन कर रहे हो, तो मैं उसी जो है मुद्दे को उठाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बैठ के वीडियो बना देना बस ठीक है अपलोड कर देना मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से लोगों की हेल्प हो, ठीक है, और वो प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह मैं करती रहूंगी, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ है। जो 2 मंथ्स का मेरा 10,000 का टारगेट था वो आपने लाजमी पूरा करवाना है, वो इस तरह कि चैनल को उन लोगों तक शेयर कर दें कि जो कि इंफॉर्मेशन चाहते हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीजा और ऐसी ही टॉपिक्स फाइंड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का असल टॉपिक की तरफ, आते हैं कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। आज का मेरा टॉपिक है, यहाँ का एक है तो छोटा सा बट यहाँ आने वाले और रहने वाले लोगों को नहीं पता होता कि उनके डोर के ऊपर बहुत सारी चीजें जो है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, बल्दिया की तरफ से लगाई जाती हैं, बट उनको समटाइम समझ में नहीं आता ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और ज्यादातर होता है कि अरेबिक लैंग्वेज में होता है, उसका जो है आप लोगों को समझ नहीं आती, तो मेरे भी डोर पे आज सुबह एक ऐसी ही चीज लगी, ठीक है, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूं, क्योंकि इस चीज की इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं थी, मेरे लिए भी जो यहाँ पे चीजें हैं वो न्यू ही है, मुझे काफी अरसा हो गया है बट अभी ये चीजें मुझे फेस करना पड़ रही है। ठीक है, और वो चीज किस चीज का थी ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी भी कोई भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट को अलाउ नहीं है कि वो आपका दरवाजा नॉक कर सकता है या आपके घर के अंदर इंटर होके आपको कोई भी हरेसमेंट कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। जो भी बात होगी आपके डोर के थ्रू होगी, आपके डोर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स लगा दिया जाएगा और आपको पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि बाहर के कंट्रीज में पोस्ट होता है कि आपको सुबह लाजमी पोस्ट अपना देखना होता है, यहाँ पे ये है कि आपको अपना सुबह दरवाजा जरूर देखना होता है कि उसके ऊपर कोई न्यू चीज तो नहीं चिपका दी गई। तो जी हाँ, मुझे इस चीज का पता नहीं था, मेरे हस्बैंड ने जब मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि जी हमारा मीटर चेंज हुआ है, बेसिकली इन्होंने मीटर चेंज किया है। जब भी ये मीटर चेंज यहाँ पे होता है तो ये अलग से एक नंबर जो है वो आपको दे देते हैं, जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो डेली बेस पे आपकी यूनिट क्या है, ठीक है, ताकि किसी भी किस्म का कंफ्यूजन नहीं, आप जितना इस्तेमाल कर रहे हो डेली बेस के आपको नॉलेज हो कि आप कितना इस्तेमाल कर रहे हो कितना नहीं है। ठीक है, बाकी अब इस वीडियोस के अंदर बात चली है तो कुछ और भी पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि यहाँ पे जो है गैस सिस्टम है वो क्या है, किस तरह से है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या सिस्टम होता है। ठीक है, पर ये फेस आपको करने पड़ते हैं कि जब आप अलग से अपार्टमेंट्स वगैरह लेते हैं या विला लेते हैं तब आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती, बट आप आगे रेंट पे किसी से लेते हैं तो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दुबई के अंदर सेपरेट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर कंबाइन सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, वो बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम होता है, इसलिए सेपरेट यहाँ पे जो चीज है वो बेहतर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, ये दो बिल साथ ही आते हैं। ठीक है, हमेशा जब भी आपको बिल वसूल होगा, यहाँ पे जो बिल्स आपको मिलते हैं वो पाकिस्तान की तरह जो है हार्ड कॉपी में नहीं मिलते हैं। ठीक है, पेपर पे नहीं मिलते हैं, यहाँ पे बिल आपकी ईमेल के थ्रू आता है या आपको एसएमएस किया जाता है और आपने उसको पे भी जो है किसी भी एप्लीकेशन से जाके करना होता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप जाके लाइनों में लगे बिल जमा करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दी गई हैं इन मामलात के अंदर कि आपको गवर्नमेंट के हवाले से कोई भी काम करवाना है किसी के तो खबर नहीं होना पड़ता आपको, वो काम इजीली हो जाता है। हालांकि पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर मैं गई तो वहां भी इतनी ज्यादा, जिस तरह से हमारी, हमें नादरा में अगर आपने NIC भी बनवाना हो तो लास्ट टाइम में जब पाकिस्तान आई थी तो मैंने अपना NIC रिन्यूअल करवाया था। ठीक है, उसके लिए मैं 8 बजे नादरा के ऑफिस गई और मैं सुबह 6 बजे फारिग हुई थी कि इतनी ज्यादा गर्मी में लाइनें और ये सारी चीजें हमारी, यहाँ पे ये चीज नहीं होती है। यहाँ पे आप जाओ और इजीली अपना काम करवा के वापिस आ जाओ, चाहे वो पासपोर्ट है या ID कार्ड है। ठीक है, उसके अलावा आप जो है यहाँ पे जो बिल्स वगैरह का सिस्टम है वो भी डिजिटल है आपका। तकरीबन अगर आप रीजनेबल इस्तेमाल करते हो अपना AC फ्रिज वगैरह जो एक बुनियादी जरूरतें वो होती हैं, ठीक है, जिंदगी की चीजें होती है जो कि हर घर में होती हैं, ठीक है, वो उनका बिल तकरीबन आपका वाटर का बिल और आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल 200 दिरहम तक आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पूरा दिन AC चलाते हो, ठीक है, LED आपके घर में पूरा दिन चलती है, ठीक है, तो आपका बिल ज्यादा जाएगा, 500-1000 तक जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मंथली पे नहीं करते तो उसके ऊपर इंसर्ट रेट भी लगता है और वो ज्यादा होता है, इसलिए टाइम टू टाइम जो है बिल यहाँ का पे करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी जो पॉइंट है वो ये कि यहाँ पे पानी का बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिल से ज्यादा आता है, और उसमें यह होता है कि वो ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि पानी यहाँ का अपना नहीं है, वो फिल्टर होके जो है पानी आता है, इसलिए इसका बिल पानी का बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल से ज्यादा पानी का बिल आ जाता है। ठीक है, अगर आप रीजनेबल भी पानी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ के UAE की जो है गैस अपनी नहीं है, सिलेंडर रिफिल करवाना पड़ता है। सिलेंडर जो है तकरीबन आपको जो है 20 KG वाला जो है 100 दिरहम में हो जाता है, जो कि 3 से 4 महीने तक हमारा चल जाता है। एक रीजनेबल जैसे 2 पर्सन या बच्चों के साथ आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका 3 से 4 महीने तक चल जाता है, बट ये है कि इस्तेमाल करने पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रीजनेबल यहाँ पे एक लाइफ को लेके चलते हैं तो नो कॉस्टली नहीं है यहाँ की करेंसी के मुताबिक, क्योंकि अगर आपको बिल आता है तो वो भी आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है, अभी जो हमारे दरवाजे पे ये लगा था तो हमारा मीटर चेंज हुआ था, ठीक है, और हमारा नहीं पूरी बिल्डिंग का जब ये मीटर चेंज होता है, या अगर इनको कोई भी फीवा की तरफ से या किसी भी तरफ से अगर जो है फीवा डिपार्टमेंट है यहाँ पे जो आपको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देता है उसको है वो बोलते हैं, और सेवरेज में आ जाता है बल्दिया, हर स्टेट की अपनी एक बल्दिया होती है, ठीक है, जो आपके इस तरह के मसले मसाइल ये सारी चीजों को हैंडल करती है। ठीक है, तो अब जो है इसमें आपका है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीवा है, फीवा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है और उसमें यह है कि आपकी ऑल टू ऑल वो ही हैंडल करता है, नोटिस वगैरह आपके दरवाजे पे वही पेस्ट करता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी या आपको लाइट भी जाती है तो उसको भी आपको इन्फॉर्म किया जाता है, मैसेज किया जाता है कि जी इतने से इतने बजे तक आपकी जो लाइट का या कोई भी इशू सॉल्व होगा आप उसके हिसाब से चीजें मैनेज कर लें। हर चीज X to Z जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा उसके ऊपर आपको वक्त से पहले मिल जाएंगी। उसमें यह होता है कि आप वक्त से पहले ही, यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती है, पानी आप जो वैसे नॉर्मल पानी होता है, ठीक है, कहने में वो खारा है, ठीक है, जिस तरह से नमकीन, बट वो नमकीन नहीं होता, वो मीठा ही होता है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि वो पानी को इस्तेमाल नहीं करना, वो हार्मफुल होता है। ठीक है, यहाँ पे पानी की जो बॉटल्स आती हैं, बॉटल्स में पानी जो है वो 5 लीटर की जो बोतल है वो यहाँ पे आपको 4 दिनों में मिल जाती है। ठीक है,
सब यहाँ पे वही पानी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर आप वैसे रूटीन में वो वाला पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो पानी पीना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी इंशाल्लाह। सपोर्ट की जरूरत है वो लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।